क्षेत्र में सोयाबीन की फसल के लगातार खराब होने का दौर जारी है और किसान बेबस की तरह अपनी फसलों को खराब होता देख रहा है। क्षेत्र में अभी कहीं कहीं फसलों में अफलन तो कहीं कहीं तना छेदक का प्रकोप देखने को मिल रहा है और किसान फसलों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही मूंग में पीला मोजेक के साथ ही मक्का में ईल का भारी प्रकोप देखने को भी मिल रहा है। सोयाबीन की बात करें तो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसानों ने बीज खरीदा और यदि इस साल भी अच्छी फसल नहीं हुई तो किसानों को कर्ज में डूबना पड़ेगा और अपनी पिछली सोयाबीन की फसल का सदमा तो किसान भूल ही नहीं पाया है और ऊपर से आज दिनांक तक बीमा राशि भी किसानों को नहीं मिल पाई। ग्राम बधावा में तना छेदक कीट से सोयाबीन फसल में भारी नुकसान हुआ। यह लगभग सभी किसानों के खेतों में यही स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए कृषक गोविंद पिता भागीरथ मीणा ने अपने खेत की फसल में रोटावेटर चलवाया। कारण मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई, खाली एक दिन ही लगी इसमें। इस कारण से स्थिति को देखते हुए आज मैंने मेरे खेत में कल्टीवेटर रोटावेटर चला करके फसल को नष्ट कर दी। वर्तमान सरपंच कैलाश जी चौरसिया राजेश, अगर स्थिति ये देखने में आया कि जो विस्तार अधिकारी है ग्रामीण क्षेत्र विस्तार अधिकारी सी एस वास्कले वो यहाँ आए, किसानों के साथ मुआयना किया। आज स्थिति ये है कि हम सबकी मांग है कि जो नुकसान हुआ है किसानों का उसके लिए उचित मुआवजा उचित बीमा मिले। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खड़ी फसल में रोटावेटर चला है। जल्दी रोटावेटर को फोटो भी बताइए। इधर से इधर ट्रैक्टर को फोटो हो जाओ पीछे। आप किसान से बता, आप उधर चल जाओ। सात आठ एकड़ में खड़ी फसल में रोटावेटर चला गया। आप